नमस्कार, अपनी डपली अपना राग के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के गाजियाबाद में नगर टेम्पो ड्राइवर की बड़ी लापरवाही सामने आई है। केला भट्टा वार्ड नंबर 93 में निगम के टेम्पो ने बच्ची को टक्कर मार दी। इस हादसे में बच्ची को गंभीर चोटें आई हैं। बच्ची को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कोतवाली थाना क्षेत्र में यह हादसा हुआ है। पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई है। तो यह तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। नगर निगम का ये टेम्पो बताया जा रहा है। टेम्पो ड्राइवर पर लापरवाही का आरोप लगा है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। टेम्पो ने बच्ची को वहां पर कुचल दिया। गंभीर रूप से बच्ची घायल हुई है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। नजदीकी अस्पताल में बच्ची को भर्ती कराया गया है। तो मैजिक गाड़ी ने यहां पर बच्ची को कुचला है। यह तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। रोंगटे खड़े कर देने वाली यह तस्वीर है जो इस वक्त न्यूज 18 की स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। नजदीकी अस्पताल में बच्ची को भर्ती कराया गया है। नगर निगम का यह टेम्पो बताया जा रहा है जो इस वक्त ये खबर हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। मैजिक गाड़ी ने बच्ची को यहां पर कुचला है। ये तस्वीर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर, मैजिक गाड़ी ने बच्ची को कुचला है। ये तस्वीर इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। गंभीर रूप से घायल हुई है बच्ची। चमोली से बड़ी खबर आ रही है जहां पर नंदानगर इलाके में मुस्लिम लड़के पर नाबालिग के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगा है। गिरफ्तारी की मांग को लेकर बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे और गुस्साए लोगों ने आरोपी की दुकान में तोड़फोड़ भी की। नाई का काम करता था आरोपी युवक। एसपी के भारी संख्या में पुलिस बल के साथ मौके पर मौजूद हैं। आरोपी को पकड़ने की मांग की गई है। विकासखंड नंदानगर में भारी बवाल हुआ है। इस समुदाय के लड़के के नाबालिग के साथ छेड़छाड़ का ये पूरा मामला है। परिजनों ने थाने में तहरीर दी है। आरोपी फरार हो गए हैं। गिरफ्तारी की मांग को लेकर सड़कों पर लोग उतर गए हैं। नाई का काम करता था युवक गुस्साए लोगों ने दुकान को तोड़ दिया है और पुलिस मौके पर तैनात कर दी गई है। बड़ी संख्या में मौके पर पुलिस बल को तैनात किया गया है। और बातचीत करने के लिए नितिन सेमवाल हमारे संवाददाता चमोली से हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ रहे हैं। नितिन, क्या ये पूरा मामला और फिलहाल क्या स्थिति इस वक्त मौके पर है? जी, अगर बताएं तो एक समुदाय विशेष के लड़के पर एक नंदानगर घाट की लड़की ने छेड़खानी का आरोप लगाया है। पूरा मामला बताया जा रहा है 22 अगस्त का है, जब लड़के ने गंदे इशारे से लड़के को बुलाने की कोशिश की और उसके बाद उसके साथ छेड़खानी की। उसने हालांकि ये बात कुछ दिनों तक छुपा के रखी, लेकिन कुछ दिन बाद उसने अपनी माता को ये पूरी बात बताई और इस पूरे घटने का कल नंदानगर घाट में मामला भी दर्ज किया गया है। पुलिस पूरी कार्रवाई कर रही है और वो लड़का जो छेड़खानी का आरोपी है वो फिलहाल अभी मौके से फरार है। स्थानीय लोगों को जब इसकी पूरी घटना की सूचना मिली तो आज सुबह से ही वहाँ पे तनावपूर्ण स्थिति पैदा थी, जहाँ पे पुलिस ने भारी पुलिस बल वहाँ पे तैनात कर दिया गया है। पुलिस के तमाम जो उच्च अधिकारी हैं जिले के वो मौके पर पहुंच चुके हैं और किसी भी तरीके से मामले को शांत कराया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि जो छेड़खानी की रिपोर्ट दर्ज हुई है उस पर जांच चल रही है और जो लड़का फरार है उसको जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी, प्रशासनिक अधिकारियों से कुछ बातचीत हो पाई और स्थिति न बिगड़े इसको लेकर क्या कदम उठाए जा रहे हैं? जी, पुलिस अधिकारियों से बात हुई है। उन्होंने कहा है, लोगों से भी अपील की है कि वो इस तरीके का नुकसान वहाँ पे न करे, अभद्रता न कराए। पुलिस यही कह रही है और पुलिस कह रही है कि मामला गंभीर है और इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और जो दोषी है उसके खिलाफ सख्त एक्शन भी लिया जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से जानकारी देने के लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी के दौरे पर हैं। यहां पर वो BJYM की कार्यशाला में शामिल हुए। सीएम योगी पुलिस और प्रशासन के आला अफसरों के साथ लॉ एंड ऑर्डर और विकास कार्यों को लेकर बैठक करेंगे। सीएम योगी यहां पर काल भैरव और विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। वाराणसी के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ चंदौली भी जाएंगे। चंदौली में सीएम योगी बाबा
कीनाराम के जन्मोत्सव में समारोह में शामिल होंगे। बता दें कि चंदौली में बाबा कीनाराम का 425वां जन्मोत्सव समारोह मनाया जा रहा है। रामगढ़ इलाके में बाबा कीनाराम का आश्रम है, जहां सीएम योगी पहुंचेंगे। पूजा के बाद भंडारे के कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। समाजवादी पार्टी ने दूसरे राज्यों में भी तेजी से पांव पसारने शुरू कर दिए हैं। पार्टी हरियाणा और जम्मू कश्मीर के बाद अब झारखंड में भी विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। एसपी ने राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी को स्थापित करने के लिए महाराष्ट्र से लेकर जम्मू कश्मीर तक पहले ही अपनी नजरें लगाई हुई थी। पार्टी ने जम्मू कश्मीर में पहली बार चुनाव लड़ने का फैसला किया है। वहीं दूसरी तरफ झारखंड में चुनाव लड़ने का फैसला पार्टी के लिए नया है। समाजवादी पार्टी ने झारखंड में बोकारो, छतरपुर, पांकी, भवनाथपुर, हुसैनाबाद और विश्रामपुर विधानसभा सीट कांग्रेस से मांगी है। दूसरे राज्यों में पार्टी पहले तो गठबंधन के तहत चुनाव लड़ने की कोशिश करेगी और बात नहीं बनने पर अपने दम पर चुनाव मैदान में कैंडिडेट उतार सकती है। पार्टी की लोकसभा में और देश में इस समय बहुत सारे राष्ट्रीय दलों से ज्यादा प्रेजेंस है। दिल्ली में भाजपा और कांग्रेस के बाद समाजवादी पार्टी की संख्या है, तो निश्चित तौर पे हमारे नेता कार्यकर्ताओं का मन है कि जैसी हमारी राजनीतिक ताकत मिली है उसके हिसाब से अन्य प्रदेशों में विस्तार किया जाए। उसी क्रम में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को अलग अलग जगह जिम्मेदारी देके जहाँ जहाँ विस्तार की संभावनाएं हैं, जहाँ से अच्छी रेस्पॉन्स आ रहे हैं, पहले संगठन रहा है, चुनाव लड़ते रहे हैं, वहाँ पर लोगों को जिम्मेदारी देके पार्टी के विस्तार का कार्यक्रम बढ़ा रहे हैं। और हमारी इच्छा है कि जल्दी ही पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में दिखाई दे, इसके लिए सारे नेता प्रयासरत हैं। समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर अपनी संभावनाओं को इसलिए भी तेजी से तलाश रही है क्योंकि उसे पता है कि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद उनके कार्यकर्ताओं का जोश सबसे ज़्यादा ऊपर है। ऐसे में समाजवादी पार्टी दूसरे राज्यों में विधानसभा चुनाव के बीच दस्तक दे करके न सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाना चाहती है बल्कि अगर उन्हें बढ़ा हुआ 8% मिलता है तो वह राष्ट्रीय पार्टी बनने की दिशा में भी अग्रसर हो सकेगी। इस मौके को अखिलेश यादव किसी भी तरह से चूकना नहीं चाहते हैं। बात चाहे गठबंधन के साथ बने या फिर गठबंधन के बिना बने, समाजवादी पार्टी अन्य राज्यों में चुनाव जरूर लड़ेगी। उधर जम्मू कश्मीर में समाजवादी पार्टी अब 10 के बजाय करीब 37 सीटों पर लड़ने की योजना बना रही है। कल पहली लिस्ट में कश्मीर की 26 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान होगा। प्रदेश अध्यक्ष जियालाल वर्मा ने दावा किया है कि पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इस पर सहमति दे दी है। जियालाल वर्मा के मुताबिक एसपी के टिकट पर चुनाव लड़ने में लोगों की दिलचस्पी को देखते हुए पार्टी ने अब ज्यादा सीटों पर लड़ने का फैसला किया है। बाकी 11 सीटों के टिकटों पर भी जल्द फैसला होगा। अब लोगों का उत्साह देकर हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी में यकीन देकर हमें भी उत्साह आ रहा है और हमने 37 लोगों का नाम जो है वो क्वालिफाई किया है और उनमें से 26 लोगों का पहली लिस्ट हम श्रीनगर में जारी करने जा रहे हैं जो सेकंड फेज के लिए है। फर्स्ट फेज का नॉमिनेशन हो चुका है तो हम अभी थर्ड फेज के लिए जम्मू में भी सेकंड लिस्ट जारी करेंगे। मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी की सांसद रुचि वीरा ने सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे के बयान पर कहा कि सीएम का इस तरह का बयान देना दुखद है। साथ ही असम सरकार द्वारा 2 घंटे जुमे की नमाज की छुट्टी रद्द करने पर रुचि वीरा ने कहा कि हमारे देश में गंगा जमनी तहजीब है, एक दूसरे के धर्म और मजहब का सम्मान करना हमेशा से बताया गया है। देखिए बस बड़ा ही मतलब दुखद विषय है कि अगर कोई मुख्यमंत्री इस तरह की बात करे। एक सवाल उठ रहा है, आसाम के मुख्यमंत्री ने जो विधानसभा का 2 घंटे का जो नमाज का टाइम था उसको कैंसिल कर दिया। देखिए जो हमारे देश की जो गंगा जमनी तहजीब है और एक दूसरे के धर्म और एक दूसरे के मजहब का सम्मान करना हमेशा से बताया गया है, अगर उसमें कोई तब्दीली होती है तो ये कहीं ना कहीं मतलब अफसोस का विषय है। फतेहपुर से पुलिस का फिल्मी स्टाइल में आरोपी का पूछा करने का वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल एक कार ड्राइवर ने स्कूटी सवार को टक्कर मारी। इस हादसे के बाद वो मौके से भाग गया। बताया जा रहा है कि कार का ड्राइवर शराब के नशे में था।
जब पुलिस को इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने बाइक और जीप से कार का पीछा किया और हादसे के आरोपी शख्स को धर दबोचा। पुलिस के पीछा करने का वीडियो इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। खबर देवरिया से है। गौवंशों से लदा ट्रक रामपुर कारखाना थाने में घुसा। ट्रक ने थाने की बाउंड्री वॉल तोड़ी और कई दोपहिया गाड़ियों में टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि ये गौवंश तस्कर आजमगढ़ से गौवंशों को बिहार में तस्करी के लिए ले जा रहे थे। इसकी जानकारी मिलने पर रामपुर कारखाना पुलिस गाड़ी का पीछा कर रही थी, वो तो गनीमत रही कि हादसे में पुलिस वाले बाल बाल बच गए। उत्तर प्रदेश पुलिस की सिपाही भर्ती परीक्षा कल खत्म हो गई। इस भर्ती परीक्षा के लिए योगी सरकार ने इतना कड़ा सुरक्षा इंतजाम किया है कि परिंदा भी पार न मार सके। सीएम योगी ने साफ लफ्जों में जीरो टॉलरेंस की बात कही थी और युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों की संपत्ति कुर्क करने का अल्टीमेटम दिया था। 5 दिनों तक चली परीक्षा में 30% अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ी है, जबकि 5 दिनों में 71 FIR दर्ज की गई और 86 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। परीक्षा दौरान यूपी पुलिस और एसटीएफ के जवान परीक्षा सेंटर के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी नजर रख रहे थे ताकि किसी भी गड़बड़ी पर तुरंत एक्शन लिया जा सके। कैंडिडेट सीएम योगी की जमकर तारीफ कर रहे हैं। कैंडिडेट का कहना है कि ऐसी व्यवस्था योगी सरकार में ही संभव है। वहीं परीक्षा के बाद छात्रों का कहना है कि पूरी पारदर्शिता के साथ परीक्षा हुई है। साथ ही जिस तरह उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस भर्ती परीक्षा के दौरान बसों की व्यवस्था की है, उससे काफी सहूलियत मिली है। सरकार के इंतजाम से कैंडिडेट काफी खुश नजर आए। तो ये सब कुछ सही है। मैं भी आज अपनी बस सेवा से ही आया हुआ हूँ यहाँ पे, तो मैंने भी अपनी वो पूरी फायदा उठा हुआ सेवा का। और यहाँ पे जैसे देखा जाए तो यहाँ पे सुरक्षा भी कड़ी है। यहाँ पर जैसे कि वो एग्ज़ाम जब होता है, एग्ज़ाम होने वाले टाइम पे किसी को भी आसपास नहीं आने दिया जा रहा, सेंटर के आसपास बिल्कुल नहीं आने दिया जा रहा है। और परीक्षा जैसे कि देखा जाता है कि कैमरे की निगरानी में होता है, ये तो अंदर जाके पता चलेगा। वैसे मेरे हिसाब से तो कैमरे की निगरानी में ही हो रहा होगा, ये तो नहीं है कि कैमरे की निगरानी में नहीं होगा। बाकी तो देखिए यूपी सरकार ने ये भी बोला था जैसे कि 6 महीने में अपना जो एग्ज़ाम कराएगी, तो उन्होंने वो भी उस पर वो खरे उतरे हैं, उन्होंने भी ये भी करवाया है, तो ये उसके लिए धन्यवाद है। क्रेज जहाँ पर देशभक्ति की बात आती है और देश के लिए कुछ काम करने की बात आती है, तो अब क्रेज तो युवाओं में अपने आप ही ओवर किया जाता है। इस बार बस सुविधा होने के बाद मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ ने बहुत अच्छा काम किया है, जिससे हमें बहुत खुशी हो रखी है, क्योंकि ये जो भर्ती है बहुत निष्पक्ष तरीके से हो रही है। जो पहले लीक हुआ था उसके बारे में इस बार कोई वो नहीं है, खेल नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से भर्ती हो रखी है। इसमें कोई पक्षपात नहीं है, क्योंकि पहले से बहुत बच्चे बहुत भी परेशान हो रखे हैं, तैयारी कर रहे हैं काफ़ी, 5 साल से 10 साल से कोई भर्ती नहीं आ रखी थी, इस बार बहुत बड़ी भर्ती आई है। बहुत ही अच्छा काम किया है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने, और ये फ्री सेवा की है बस, तो उसमें जो है बहुत ही अच्छा रहा है। स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा काम किया है ये। आपके जो है कोई धांधली वगैरह नहीं चल रही है, बहुत अच्छी तरीके से परीक्षा चल रही है। कड़ी सुरक्षा की दृष्टि से परीक्षा कराई जा रही है। ये सब योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में ही संभव है और बहुत अच्छा स्कोप है स्टूडेंट के लिए। ये बढ़िया ही काम करा है, जो क्योंकि आजकल हमारे उम्र के बच्चे होते हैं या तैयारी करने में लग रहे होते हैं, वो कमाई तो नहीं कर पाते, ज़्यादातर किसान घर के बच्चे होते हैं, तो उनके लिए फ्री बस सेवा का करा है उन्होंने। जो पिछली परीक्षाओं में होता था कि अपने पास से पैसे लगा के आ रहे हैं, नहीं होता था किसी का, तो इस बार बढ़िया करा है उन्होंने, ये इसी सरकार में हुआ है। इस बार पारदर्शी परीक्षा पूरी तरीके से करवाई गई है, इसमें कोई भी नकल वगैरह कुछ भी नहीं हुआ है। और बाकी इस बार टाई भी ज़्यादा थी, पुलिस वाले भी ज़्यादा लगा रखे थे, CCTV कैमरे हर क्लास में, बाकी पुलिस कर्मियों का था जो सहयोग कर रहे थे, बढ़िया सहयोग कर रहे थे अपना। इसके बारे में यही कहेंगे व्यवस्था सही है, सुविधा मिली है आने जाने की। सरकार ने तो 6 महीने में पेपर करा दिया, 6 महीने जो कहा तो वो किया उसने। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने हमारे लिए 6 महीने के अंदर एग्जाम की जो तारीख घोषित की थी उसी तारीख में हमें निःशुल्क ही सुविधा प्रदान की गई, हमें आने जाने में कोई दिक्कत नहीं हुई, हमारा निःशुल्क काम पूरा हुआ।
मेरा सेंटर फरुखाबाद आया था, दिनांक 23 तारीख को एग्जाम हो गया ठीक ठाक। मैं योगी जी को निवेदन करना चाहता हूँ, धन्यवाद, एग्जाम करा दिया। इसमें इन्होंने जो भर्ती 6 महीने बाद दोबारा पूर्ण करने का वादा किया था वो पूर्ण होने जा रहा है, और इसमें विद्यार्थियों के लिए आने जाने की व्यवस्था फ्री है। अब हमें काफ़ी सहूलियत हुई है आने में और कोई परेशानी नहीं हुई, सीटें खाली आई हैं बस में। अब जो परीक्षा हो रही है वो निष्पक्ष हो रही है, 23 की शिफ्ट का जो एग्ज़ाम था वो भी बिल्कुल ऐसा कोई मामला सुनने में आया नहीं है, और मुझे लगता है कि आगे भी ऐसा नहीं होगा। यह निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा सिर्फ आदित्यनाथ योगी जी की सरकार में ही संभव है। इसको सराहना करते हैं क्योंकि जो समय दिया गया था उस समय में ये कार्य हुआ है, और ये सबसे अच्छी बात है कि समय पे जो पेपर था वो करा दिया गया है। और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की सियासत में चिराग पासवान, क्योंकि बिहार के बाद एलजेपी के अध्यक्ष चिराग पासवान अपनी पार्टी का विस्तार कर रहे हैं। चिराग पासवान की कोशिश उत्तर प्रदेश में सियासी जमीन तलाशने की है, इसके लिए उन्होंने उत्तर प्रदेश में प्रभारी भी नियुक्त कर दिए हैं। इसी में सबसे बड़ा सवाल है कि उत्तर प्रदेश में चिराग की एंट्री किसके लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि अखिलेश के पीडीए में पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक आते हैं और चिराग पासवान भी पिछड़े दलितों की राजनीति करते हैं। वहीं मायावती, चंद्रशेखर आजाद की राजनीति जिस वोट बैंक के इर्द गिर्द घूमती है, अब उसमें सेंध लगाने के लिए बीजेपी के चिराग पूरी तरह से तैयार हैं। मैं चिराग के लिए इसलिए नहीं आया कि उसको मुझे जिताना है, तो जीतने वाला ही है। मोदी के हनुमान एनडीए के चिराग पासवान अब यूपी में सियासी तापमान बढ़ाने वाले हैं। आप जब चिराग को वोट देंगे ना, तो वो वोट सीधा सीधा मोदी के खाते में जाएगा। बिहार में 100% रिजल्ट देने के बाद बीजेपी के चिराग यूपी में मायावती और अखिलेश की धड़कनें बढ़ाने वाले हैं, जिसके लिए एलजेपी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने उत्तर प्रदेश में प्रभारी नियुक्त किए हैं, जो यूपी में पार्टी के लिए जमीन मजबूत करने की रणनीति पर काम भी शुरू कर चुके हैं। यूपी की सियासत में चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी एंट्री करने के लिए तैयार है। लोक जनशक्ति पार्टी के उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने से अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को नुकसान हो सकता है, क्योंकि दोनों ही पार्टियां पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों के वोट बैंक पर दावा करती हैं। चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी उत्तर प्रदेश में ग्रैंड एंट्री करने वाली है, जिसका सीधा मुकाबला अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले और मायावती, चंद्रशेखर के दलित वाली राजनीति से होगा। दरअसल चिराग पासवान पिछड़ों और दलितों की राजनीति करते हैं। एससी एसटी और ओबीसी वोट बैंक पर चिराग पासवान की अच्छी पकड़ है। लोकसभा चुनाव में 5 में से 5 सीटें जीतकर चिराग रिकॉर्ड बना चुके हैं, तो अब यूपी में सियासी जमीन की तलाश कर रहे हैं, जिससे समाजवादी पार्टी और बीएसपी को झटका लग सकता है। यानी जिस वोट बैंक पर बीजेपी के डायरेक्ट पकड़ नहीं, अब उस वोट को अपने पाले में लाने के लिए मोदी के हनुमान यानी चिराग पासवान यूपी का रुख कर चुके हैं। देखिए, चिराग पासवान जी ने बिहार में जो भी पुल गिरे थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार पे गंभीर आरोप लगाए, सवाल उठाए हैं, और चिराग पासवान जी जिस समाज से आते हैं उसका पहला जो लड़ाई है वो जातिगत जनगणना है। आप उत्तर प्रदेश में आएंगे तो यहाँ का जो हमारा दलित समाज है वो आपसे पूछेगा कि कास्ट सेंसस पे आप क्या चाहते हैं। देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी हो या अन्य छोटी पार्टियां जो अन्य प्रदेशों से आती हैं उत्तर प्रदेश में, वो पहले भी आ चुकी हैं, लोक जनशक्ति पार्टी भी पहले आ चुकी है। वोटर्स वही हैं, मतदाता वही हैं, उन्हीं के बीच में जो है वोट निकालना होता है। अगर एक राजनीतिक दल के रूप में उतनी मेहनत अगर चिराग पासवान कर पाएंगे तो हो सकता है असर डालें, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता ये छोटे छोटे राजनीतिक दलों का स्वागत भी कर चुकी है और इनके आने के बाद जो हश्र हुआ है वो भी देख चुकी है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में जातीय समीकरण की सबसे अहम भूमिका होती है। जिसने इसके गणित को साध लिया उसकी राह आसान हो जाती है। ऐसे में चिराग पासवान की उत्तर प्रदेश में एंट्री विपक्ष के गुणा गणित को फेल करने के लिए काफी है। बात यूपी के जातीय समीकरण की करें तो सवर्ण वोटर्स करीब 17-19% के आसपास हैं। ओबीसी वोटर्स करीब 40-42% के आसपास हैं।
दलित वोटर्स की संख्या 20 से 21 प्रतिशत है, वही मुस्लिम वोटर्स 18 से 19 प्रतिशत है। यानी यूपी के जातीय समीकरण को सेट करने के लिए बीजेपी अब अपने सहयोगियों को मजबूत कर रही है, जिसमें जयंत चौधरी, अनुप्रिया पटेल, राजभर और निषाद के बाद चिराग पासवान का नाम है, जो उत्तर प्रदेश में प्रभारी भी नियुक्त कर चुके हैं। अब बस इंतजार ऐलान का है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। हरिद्वार से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर चंद्राचार्य चौक इलाके में श्री बालाजी ज्वेलर्स में दिनदहाड़े डकैती की खबर आ रही है। करीब 6 हथियारबंद बदमाशों ने डकैती को अंजाम दिया है। शोरूम में फायरिंग करने की बात सामने आ रही है। सूचना पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। नुकसान का आकलन किया जा रहा है। बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर रामनगरी अयोध्या में धर्म सेना के नेतृत्व में हिंदू संगठनों के नेताओं कार्यकर्ताओं ने मार्च निकाला। गुलाबबाड़ी से सिविल लाइन तक ये मार्च निकाला गया। हिंदू संगठनों की मांग है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार बंद किया जाए और जो रोहिंग्या मुसलमान भारत में रह रहे हैं इनको वापस बांग्लादेश भेजा जाए। हिंदू संगठनों ने चेतावनी दी है कि जब तक इनको बाहर नहीं किया जाएगा हिंदू संगठनों का आंदोलन चलता रहेगा। कि जो भी देशों में हिंदुओं के ऊपर जो लगातार अत्याचार किए जा रहे हैं वो अत्याचार बंद होने चाहिए। हिंदुओं को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, जलाया जा रहा है, उनकी बहन बेटियों के साथ अत्याचार किया जा रहा है, उनके घर को जलाया जा रहा है। अब हिंदुओं को संगठित होना होगा, इसके लिए शांति मार्च निकाला गया है। शांति मार्च का लक्ष्य केवल एक है कि हिंदुओं की सुरक्षा के लिए। भारत से रोहिंग्याओं को भगाना पड़ेगा, भारत सरकार को बांग्लादेशी घुसपैठियों को भगाना पड़ेगा, इसीलिए निकले हैं। और हिंदुओं पर जो अत्याचार बांग्लादेश में हो रहा है उसे सरकार रोके, नहीं रुका ये अत्याचार, तो अगले ही महीने हम लोग 1,00,000 हिंदुओं के साथ रोड पर उतरेंगे। फतेहपुर से पुलिस का फिल्मी स्टाइल में आरोपी का पीछा करने का वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल एक कार ड्राइवर ने स्कूटी सवार को टक्कर मारी, उस और हादसे के बाद मौके से भाग गया। बताया जा रहा है कि कार का ड्राइवर शराब के नशे में था। जब पुलिस को इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने बाइक और जीप से कार का पीछा किया और हादसे के आरोपी शख्स को धर दबोचा। पुलिस के पीछा करने का ये वीडियो वायरल पड़ा। कार का पीछा किया, ये तस्वीर इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। फिल्मी स्टाइल में गाड़ी का पीछा यहां पर किया गया। कार ने स्कूटी सवार को टक्कर मारी थी।